अस्सलाम वालेकुम। गुजर राज इबादत जो मुबारकू तहां साबन के अब्दुल्ला फकीर ला कुल पढ़ो यो जरूरी है तो कुछ शे तिदमत भलाई ला क्यों वन तुधाय वन समझाय वन अब्दुल्ला फकीर की अहमियत दरगाह से इंतजाम कर निजाम के संभाल संगत के और बन मुखन के वही खिदमत हुई जो निभाई उनके आखिरी दिन में उनके पुट उनके साण किया कम सीखे समझे वो सभी पेचीदगियों का वाकुफ है जमात के निजाम का वाकुफ है दरगाह के हर कम का वाकुफ है अब्दुल्ला फकीर जाते संदस पुट कादर बश के मुकर कर तो वे वो पांजे मर्जी मुताबिक नायब मुख पांजे संगत के लिए पांजे मर्जी से चूंडे मुफ्ती साहब के चयो वने तो उनकी दस्तारबंदी करे पांजो शागिर्द समझी न पर पांजो मुनज़िम समझी
जो है प्यार साहब के मसरूफ चूं वी जमायत के पूरो टाइम दई तो सके न पाजे व्यापारी कम के पूरो टाइम दी तो सके मुझो ख्याल तो उनके असा पांजन कमन के मुंह दियन लाए मुखायमा खर्च क्यों तो जे आराम सा पांजे कारोबार को संभाले बधे तरक्की करे उनके जाए ते मौलवी मोहम्मद साले मरहूम जे पोट के मुकर थुको तो वे उनके इजाज़त दिनी थी वे तो एकड़ो पाजे मर्जी से नायब जवाज खिदमत लाए पाजे मदद लाए मुकर करे मुफ्ती साहब के चयो तो वे तो छोकर दस्तार बंदी करे जमात में जात पात जो ख्याल न हों जवाज निजाम में सब जमायतें नाबुरी रंजे के सोबत में अची दोस्ती में अची जमायती निज़ाम का बाहर पाजी सलाहतों के इस्तेमाल न कंदा मुखे जमात के निज़ाम के अगते जे ला दुरुस्त करण ला कदम खड़ो तो पे तो वो जमात के भलाई में आए वो यो है असांजे बमरन साहबन